गुड मॉर्निंग जय मुरलीधर। सो अभी जा रहे हैं हम शिरडी, शिरडी साईं बाबा। नहीं, कानपुर शिरडी जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं वो अभी आपको आगे आगे बताता चलूंगा, अभी से सस्पेंस रखते हैं। सो अभी चाचा और चाची और राहुल तीनों आते हैं, तो अभी सीधा निकलते हैं हम। और अभी आगे से भी एक दो जने जुड़ जाएंगे, मेरे विजय भाई और भाभी और उनकी बेटी भी शायद। तो चलो अभी तीनों बाइक निकलने वाली है, थोड़ी देर में आते हैं चाचा। तो अभी निकल चुके हैं, यहाँ पर वीडियो बनाना भूल गया था मैं। अभी यहाँ पर मेरे विजय भाई का घर है, तो वो भी आ रहे हैं अभी। सो चार बाइक हो गई, अभी एक और भाई मेरा आज जुड़ चुका है। सो चार बाइक जाने वाली है, देखिए शिरडी को। सो अभी खराब रास्ते से दामर रोड पे आ चुके हैं, देखिए। अभी यहाँ से थोड़ा दूर जाएंगे, 1 या 1.5 किलोमीटर, तो देवड़िया गांव आने वाला है। सो देवड़िया से जाएंगे कल्याणपुर, जो हमारा तालुका है। सो वहाँ से फिर आगे आगे खिजदड़ वगैरह से होके ऐसे ही चलते जाएंगे, तो शिरडी जाने वाले हैं। चलो अभी मुझे भी इतना पता नहीं है, चाचा लीड करते जा रहे हैं। और ये रबर इसलिए लगाए हुआ है क्योंकि यहाँ पर टच हो रहा था हैंडल में, तो हैंडल घिसता जा रहा था, कलर निकल रहा था, इसलिए यहाँ पर रबर लगा दिया है मैंने। तो देखिए, मैं बोल रहा था कि चाचा लीड कर रहे हैं। तो देखिए भैया भाभी भी आ गए हैं, और किसी को ठंडी नहीं लग रही है, हम दोनों बहन भाई को ही लग रही है। देखिए सभी ने स्वेटर नहीं पहने हैं। सो सभी ने हेलमेट नहीं पहने हुए है, देखिए। सो उसके लिए सॉरी, यहाँ पर हमारे यहाँ सभी को इतनी हैबिट नहीं है हेलमेट पहनने की, और इतना दूर भी नहीं जा रहे थे, इसलिए सभी ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, उसके लिए सॉरी। अभी हम देखिए पहुंच गए हैं कल्याणपुर, हमारे तालुका में। तो देखिए यहाँ पर ऑफिस वगैरह है, सारी दुकानें वगैरह भी है। सो इस तरीके का है हमारे तालुका, देखिए। अभी इसमें अच्छे से तो नहीं दिखा पाया हूँ मैं, सो उसके लिए सॉरी। सो एक और बाइक जुड़ चुकी है, देखिए, मतलब मेरे पापा के मामा के लड़के की, देखिए, मतलब मेरे ही मामा ही कह सकते हैं। सो अभी देखिए पहुंचने ही वाले हैं कानपुर शिरडी। यहाँ से थोड़ा सा डैम दिख रहा होगा आपको शायद से, ये देखिए यहाँ से डैम है, आगे से वो आपको दिख रहा होगा डूंगर जैसा, मतलब पर्वत जैसा। सो वहाँ से डैम है, और ये हानी डैम तो नहीं है, ये सणोसरी, ये अपना शिरडी का ही डैम है। तो शिरडी हम आए थे मैरिज में,
सो अभी देखिए सभी लोग हम जा रहे हैं डैम देखने के लिए, और आपको भी दिखाता चलूँगा थोड़ा बहुत जैसा भी हो सका। सो यहाँ पर मेरे तीन भाई है, एक राहुल छोटा सा, और मेरे चाचा और मेरे फूफा और उनका बेटा दोनों आगे जा रहे हैं। देखिए सो देखिए यहाँ से अभी चढ़ रहे हैं सभी लोग, बहुत ही मुशक्कत हुई चढ़ने में। और ये कैनाल जैसा है और आपको कुएं जैसा दिख रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद शायद आएगी आगे तो मैं दिखाता दूंगा पानी है कि नहीं, कैसा होता है। और यहाँ पर देखिए अभी सभी लोग बहुत ही मुशक्कत के बाद चढ़ पाए हैं, और फाइनली ये है डैम। और ये सारे खेत ही है लेकिन उसमें अभी पानी आ चुका है देखिए। सो ये डैम में तो ज़्यादा पानी है, अभी हानी डैम है उसमें तो इससे बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ पर काम चल रहा है। कितना बड़ा है ये? कितना बड़ा? कितना बड़ा? कुछ भी। कौन सा डैम है ये? हाँ, और पास में हानी डैम भी है लेकिन यहाँ से थोड़ा दूर है तो वहाँ पर नहीं जाने वाले। तो ये है शेरड़ी गांव का डैम देखिए, और हम यहाँ पर मैरिज में आए थे। ये देखिए यहाँ पर दिख रही होगी बाइक वगैरह यहाँ पर। अच्छे दोस्तों ये चल रहे हो बड़े, हम पीछे है वीडियो उतार रहे हैं। देखिए ये किधर जा रहा है? इधर आ, इधर आ, हम दोनों पीछे जा रहे हैं। तुमको कुछ बोलना है? देखिए टाटा कर रहे हैं, फिर से कीजिए। देखिए यहाँ से नहर जा रही है एक। चलो इसे लाइक जरूर से करना। बस अभी नौटंकी खत्म हो गई तो मैं सब बोल दूं। तो हम तीन लोग अभी पीछे जा रहे हैं, और आगे भाई लोग बुआ और चाचा वो सारे जा रहे हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर कितना अच्छा नजारा है, हाँ बहुत ही बड़ा है। और हानि देता है, हानि मछली भी होती है। रुको अभी, रुको दोनों, अभी हानि डैम तो इससे भी ज्यादा बड़ा है, लेकिन वो तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। ये पास में ही था तो यहाँ पर आ गए देखिए टहलने के लिए, खाना खा के। बाकी कुछ कहना चाहोगे दोनों? मैं कहना चाहता हूँ, बोलो। इसमें ये डैम में इतनी इतनी बड़ी मछली रहती है, फिर लाइक जरूर कर देना। चलो हम चलते। तो इन दोनों की बातों में इतना ध्यान मत देना, चलो अभी टहलते हुए जा ही रहे हैं सारे। चलते चलते काठिया तक पहुंच गए हैं देखिए, ये इतना इतना भरा हुआ है सारे में पानी। और हानि डैम में तो इससे बहुत ही कम होगा, क्योंकि वहां पर ये काठिया है उसी तरीके का, वहां पर अलग है, वहां पर डोर होते हैं तो वो काम स्टार्ट है अभी, शायद इस तरीके का बना रहे हैं।
मुझे इतना तो पता नहीं है, लेकिन वो डैम अभी खाली है। ये देखिए कितना भरा हुआ है, वो डैम इतना भी नहीं भरा हुआ होगा, लेकिन वो बड़ा है, ये छोटा सा ही है। यहाँ पर नीचे से पानी निकल रहा है थोड़े थोड़े देर में, देखिए ये तीन चार जो गैप है उसमें से निकल रहा है। वो टूट गया होगा या क्या कुछ होगा वो तो नहीं पता है। और देखिए इसमें कितने स्टेप है, यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौ, और नौ के बाद यहाँ पर ये इतना बड़ा गैप देखिए। तो यहाँ से ऐसा कुछ नजारा है, देखो तो यहाँ पर स्टेप बने हुए हैं उसी तरीके से, वहां पर भी है, वो एंड है वहां पर भी। ये देखो जूम किया है इसलिए अच्छे से तो नहीं दिखेगा। सो चलो अभी वहां पर सारे खड़े हैं, वहां पर ऊपर चढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर एंजॉय किया और थोड़े से फोटो शूट कर लिया। तो वो फोटो कहाँ पर मिलेंगे राहुल? इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, हाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर तीनों की मिल जाएगी। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा प्यार दिखा देना और मेरे भी मिल जाएगी, तो सभी लोग की पिक्चर वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलो अभी वापस जा रहे है, यहाँ पर बहुत चल गए, बहुत चल गए हम, क्या बहुत थक गए हैं। देखिए बहुत चल गए हैं सारे लोग, थक गया है। तो ये सबको इंट्रोड्यूस करवा दे राहुल, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं? ये कौन है, ये कौन है, वो बता दे। और वो ये यहाँ पर पास में चल रहे, वो तो ये भाई ही है तुम्हारा, बड़े पापा का बेटा। आज बहुत मस्ती कर रहा है राहुल। सो अभी वापस निकल चुके हैं घर की ओर, चलो अभी सीधा घर पे मिलते हैं, क्योंकि अभी दिखाने क्या है, वही रास्ता है गए थे वही रास्ता। सो चलो सीधा घर जाके मिलते हैं। सो फाइनली घर पे पहुंच गए हैं। सो चलो अभी कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं ताकि ये धुल जाए अभी, फिर यहाँ पर लग जाते हैं। सो कपड़े बदल के रेडी हो चुके हैं और वो वाला अभी जैकेट खराब हो गया, धूल मिट्टी हो गई, सो ये वाला पहन लिया है। सो चलो अभी वहाँ पर एक घंटा मूंगफली इकट्ठा करने में लग जाते हैं। सो देखिए ये सारा कुछ ढक दिया है क्योंकि बारिश आने का डर लग रहा था, तो ये सारा कुछ ढक दिया है। देखिए फिर वापस से पहले ढका था उसी तरीके से सारा कुछ ढक दिया है। देखिए वैसे बारिश तो आएगी नहीं शायद, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, आ भी सकती है। सो चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और तबीयत भी खराब होने लगी है थोड़ी सी। सो चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, बाय बाय।